हेलो फ्रेंड्स मैं हूं कल्पना और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पीएफ से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में तो इस वीडियो को एंड तक देखें आपके काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे अगर आप भी पीएफ के मेंबर हैं या फिर आप ऐसी कंपनी में ज्वाइन करने वाले हैं जहाँ भी आपको जो सैलरी मिलेगी वो पीएफ एफ कार्ड के मिलने वाली है तो आप ये चीज़ें समझ लें जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ तो देखिए पीएफ की बेसिकली यहाँ पे दो साइट आपको देखने को मिलेगी जिसमें आप सिर्फ अपना आ, कितना पैसा हो गया है वो देख सकते हैं अपने यू नंबर से और सेकेंड चीज़ में आप ये देख सकते हैं कि आप कैसे के करेंगे आप जहाँ जाके के कर सकते हैं क्लेम कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं ठीक है तो ये दो वेबसाइट हैं आप देख ही सकते हैं दोनों ही हमारी सेम ही वेबसाइट हैं लेकिन चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है एक में सिर्फ आप सिर्फ देख सकते हैं कुछ कर नहीं सकते सिर्फ स्टेटस देख सकते हैं और दूसरी में आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और अपना के कर सकते हैं अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपने क्लेम किया है उसके लिए फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं तो ये सभी चीज़ें करते हैं तो चलिए हम पहले फर्स्ट वेबसाइट का जो है वो आ, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सबसे पहले आपको क्या करना है अपना लॉग करने के लिए यू नंबर यहाँ पर डालना है और यू एन नंबर से पहले फर्स्ट टाइम आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको पहले रजिस्टर करना होगा उसके बाद ही आप ऐसे लॉग इन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक लॉग इन आई पासवर्ड नहीं बनाया है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी आप उसको भी देख सकते हैं हम जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड देखिए आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ पे यू एन नंबर डालने के बाद आपका जो भी पासवर्ड होगा पासवर्ड डाल दें और यहाँ पे आप कैप्चा कैप्चा की जगह यहाँ पे आजकल क्वेश्चन आने लग गए हैं तो आप यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन का आंसर लिख दें थर्टी फाइव माइनस एट ट्वेंटी सेवन और इस तरह से आप लॉगिन कर लें लॉग इन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन शो होगी और इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका नाम यूएन नंबर आपको शो कर रहा है और पैन नंबर शो कर रहा है इसके बाद आप सिलेक्ट मेंबर आईडी पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन मिलेगा फाइनसियल ईयर में आप देख सकते हैं कि किस किस मंथ में आपका कितना पी कटा हुआ है आपकी कंपनी ने कितना यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट किया है और कितना अमाउंट आपके पेंशन फंड में ट्रांसफ़र हुआ है ठीक है इसी तरह से अभी तक आपने कोई भी क्लेम किया हुआ है ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है तो वो स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने इससे पहले जितने भी पैसे निकाले हैं तो वो सभी चीज़ें आपको डेट के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी ठीक है और पासबुक देखने के लिए आप पासबुक में आपका टोटल कितना बैलेंस हो चुका है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय का शेयर एम्प्लॉयर का शेयर एंड पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन सभी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिल रही हैं ठीक है और आप जैसे बैक ईयर का भी देखना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बैक ईयर का भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और आप चाहे तो यहाँ पे इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं ये पूरी एक्सेल सीट के फॉर्म में आपके डाउनलोड हो जाएगी या फिर पीडीएफ के फ़ॉर्म में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारी पी डाउनलोड हो गई है और पी में आप देख सकते हैं मंथ वाइज जैसा वहाँ पर सोकर रहा है वही चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है तो आप सिंपली इसका प्रिंट भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं ताकि आपके लिए ये डेटा के बेस पे आप सेव भी रख सकते हैं आप चाहें तो कर सकते हैं चलिए अब हम सेकंड दूसरी वाली साइट पे आ जाते हैं जहाँ पे हमें सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी तो उससे पहले दिखा देती हूँ कि यहाँ व्यू पासबुक पे व्यू क्लेम पे व्यू पासबुक पे ओल्ड फुल हर टाइप की चीज़ें यहाँ पर जो हैं आप सिर्फ़ यहाँ से देख सकते हैं कुछ कर नहीं सकते हैं ठीक है तो इस इन सभी पे क्लिक करके आप चेक कर लें अपना जो भी आप देखना चाहते हैं अब हम आ जाते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ये जो आप देख सकते हैं इस साइट पे आपको यहाँ पे भी यूएन नंबर और पासवर्ड दोनों का यूएन नंबर और पासवर्ड जो आ, है वो दोनों ही जगह सेम रहेगा तो इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है आपको क्या करना है यहाँ यू पासवर्ड डालने के बाद कैप्चे एंटर करना है और एंटर कर देना है देखिए हमारा ओपन हो गया है यहाँ पे कुछ फाइल करने के लिए कह रहा है आप सिंपली स्किप करें और हो सकता है आपके में ये ऑप्शन ना आए तो चलिए देख लेते हैं इस तरह से आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी और ये काफ़ी अच्छी साइट है आप यहाँ पे अगर एक बार भी अगर समझ लेते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि एक्चुअल में पीएफ में होता क्या क्या है तो आपको क्या करना है व्यू में आके सबसे पहले पासबुक यहाँ पे पासबुक का ऑप्शन आ रहा है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो वो सभी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं कोई भी के करनी है तो आप के वाई क्लिक करेंगे ठीक है पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ आके आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन सर्विस में आप क्लेम करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ क्लेम का ऑप्शन है आपके पास आपने ऑलरेडी क्लेम uh, किया हुआ है और अभी प्रोसेस में है तो यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पे जैसे ये होता है कि आपको रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करनी है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने वाले हैं तो यहाँ पे उस टाइप की चीज़ें भी सभी आपको देखने को मिल जाएंगी और यू कार्ड अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं तो इस तरह से आपका कार्ड भी आ जाएगा और सिंपली आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकिन आपको इसके लिए फर्स्ट टाइम लॉगिन करना ही पड़ेगा पहले रजिस्टर करना होगा उसके बाद आपको यहाँ पे लॉग इन करना होगा और ध्यान रहे जो भी मोबाइल नंबर एक बार आप रजिस्टर कर लेंगे उसी पे आपके यहाँ पे ओ आएगा उसी के ही मैसेज आएंगे उसी पे ही सब कुछ आएगा तो उसको आप संभाल के रखें अकाउंट सेटिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड करके आप कन्फर्म पासवर्ड डाल के आप यहाँ सिंपली चेंज कर सकते हैं इनकेस आपको लगता है कि पासवर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कभी भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं देखिए पासबुक के लिए मैंने बताया था कि ऑलरेडी हमने पासबुक पहले चेक की थी वही चीज़ आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलेगी और आप सिंपली देख सकते हैं ठीक है के की बात कर लेते हैं तो के के लिए आपको यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पर के हो रखी है लेकिन इनकेस आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और के नहीं हुई है तो आपको क्या करना है यहाँ बैंक पैन नंबर आधार और पासपोर्ट ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको फिल करनी है तो यहाँ देखिए सब पैन बैंक आधार पैन ऑलरेडी यहाँ पे सभी चीज़ें डिटेल हैं और अप्रूव्ड हो रखी है ठीक है कंपनी की तरफ से तो यहाँ पे जब अप्रूव्ड हो जाती है तो कंपनी की साइड से तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी फ्यूचर में इन केस आपको इमरजेंसी हो या कुछ भी हो तो आप इजीली पैसे अपने निकाल सकते हैं और आपको कंपनी से किसी चीज़ की अप्रूवल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो आप जानते ही हैं डीएससी के बगैर कुछ नहीं होता तो कंपनी की साइड से थोड़ा बहुत डिले भी हो जाता है लेकिन हो सके तो आप स्टार्टिंग में ही अपना जो केवाईसी है वो कर लें केवाईसी अपडेट करा लें ये कह सकते हैं आप इसके बाद देखिए मैनेज में और ऑनलाइन सर्विस में ये सभी चीज़ें हैं और जब भी आपको क्लेम करना हो बहुत सारे रीज़न होते हैं क्लेम करने के इनके जैसे घर में शादी है किसी की उसके लिए आप पैसे निकाल रहे हैं या फिर घर बनाने के लिए या फिर बहुत से रीज़न हो सकते हैं जो भी वैलिड रीज़न होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निकाल सकते हैं और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे मान लीजिए आपका काफ़ी टाइम से पी का अकाउंट चल रहा है और आप पैसा निकालना चाहते हैं वो भी अपनी सर्विस अभी भी कंटिन्यू है ठीक है और आप निकालना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपने शेयर का 60 परसेंट ही यहाँ पर निकाल सकते हैं उससे ज़्यादा आप यहाँ पे निकाल नहीं पाएंगे ठीक है और जब भी क्लेम करना हो तो आप ध्यान रखें यहाँ पे बैंक डिटेल वही डालें जो आपने के में अप्रूवल के लिए दी हुई है नहीं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखने वाली है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो गवर्नमेंट की साइड से भी लेट नहीं होगा अगर आपकी साइड से सभी डिटेल सही होंगी तो ठीक है तो यहाँ पे डालने के बाद अकाउंट नंबर आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे आपका सब कुछ वेरीफाई तुरंत हो जाएगा तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है आप एक बार करेंगे तो आपको ईजी लगने लग जाएगा और फर्स्ट टाइम अगर कर रहे होंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा लेकिन इतना भी टफ नहीं है और आज के वीडियो में इतना ही आई होप कि काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जाते जाते कहना चाहूँगी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ और भी हैं प्ले देख सकते हैं वहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी